वेलकम बैक टू माय चैनल और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और अभी कैसे हैं आप लोग? और अभी देखिए टाइम हो गया है, 1:30 बज गया है, तो रूटीन चेंज हो गया है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी का मॉर्निंग ड्यूटी है, तो फिर वो सुबह चले जाते हैं, तो सारा काम लेट से ही हो रहा है। और लेट से होने से मतलब आराम से हो रहा है। और अभी हम लोग का सब हो गया खाना पीना। और अभी सृष्टि देखिए, सृष्टि किस लिए तैयार है? सृष्टि इसलिए तैयार है कि सृष्टि का आज एक डांस का वीडियो बनाने वाली है। वो उसको डांस सीखती है, तो एक गाना पे वो डांस करेगी, तो अभी मैं दिखाऊंगी कि कैसा वीडियो बनाती है। और सृष्टि को इतने सारे चॉकलेट मिले थे उसके बर्थडे पे, तो वही एक एक करके वो अपने खा रही है और हमें भी खिला रही है। तो आज मैं घर के कुछ चीज़ों से बनाने वाली हूँ केक। तो मैंने इस गिलास से आधा गिलास लिया है रिफाइंड, 2 गिलास लिया है दूध, और यहाँ पर आधा गिलास लिया है दही। और उसके बाद इसमें बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, फिर मिलाएंगे इसमें पिसी हुई चीनी, फिर डालेंगे इसमें मैदा और बहुत ही अच्छे से एक बैटर तैयार करेंगे इस तरीके का। और उसके बाद इसमें थोड़े से डालूंगी मैं बेकिंग सोडा, उसके बाद 2 चम्मच वनीला एसेंस, थोड़े से ड्राई फ्रूट। और अभी एक केक टेन में मैं इसे सेट कर दूंगी और ये पकने के लिए तैयार है, तो थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट लगा दूंगी। तो यहाँ पे कृति ने शॉर्ट फॉर्म में मेरी किशमिश लिख दिया है, तो इस तरीके से ही हमारा केक बनने के लिए तैयार है। तो ये अभी केक ओवन में जाएगा और तुरंत ही आधे घंटे के बाद ये केक बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगा था ये केक, बहुत ही अच्छा, और बच्चे काफ़ी पसंद करके खाए थे। तो अभी देखिए सृष्टि ने मुझे निकाल के ये चॉकलेट दिया और ये काफ़ी अच्छा, मतलब चॉकलेट मुझे काफ़ी पसंद है और चॉकलेट मतलब मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही है कि मुझे खीर सेवैया मिठाइयाँ तरह तरह खाना काफ़ी अच्छा लगता है। सृष्टि ने मुझे दिया है, थैंक यू सृष्टि, अभी मैं खा लेती हूँ। तो सृष्टि चॉकलेट इंजॉय कर रही है और कृति और ये लोग बोल रहे हैं कि कल किसने देखा है। तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, और मैंने बोला कि थोड़ा आराम से खाओ, तो बोले कि नहीं कल किसने देखा है, आज खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं, कल किसने देखा है, ऐसे हैं लोग अच्छे लोग। और ये शाम का है और अभी बच्चे थोड़े से एटीएम गए थे, तो एटीएम के पास में ही 2 मिनट के रास्ते पे ही है ये पार्क, तो जहाँ पर कि हम लोग 1 जनवरी को गए थे, तो बच्चे वहीं पे थोड़े से अंदर गए, तो फिर एक छोटे से बच्चे के साथ वो लोग खेल रहे थे, तो वो बोली कि दीदी आप थोड़ा खेलिए हमारे साथ, तो वो अकेली थी, तो फिर इसीलिए और बच्चे इसीलिए बोले थे कि मम्मी हम लोग 1 जनवरी को इसी पार्क में जाएंगे। ये मेरी क्रिसमस का ब्लॉग है, लेकिन जाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि क्लिप मेरे से थोड़े से इधर उधर हो गए थे। तो बच्चे बगल के घर में इनवाइटेड थे, तो वहीं पर जा रहे थे, तो बाहर में इस तरीके से उन्होंने अपने घर को सजा रखा था जस्ट हमारे घर के पास ही, और अंदर में इस तरीके से, तो बच्चे वहाँ भी थोड़े से वीडियो शूट किए थे। कुछ क्लिप मेरे से इधर उधर हो गया था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। और इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और ये जो आंटी जी हैं इनको हमारे बच्चे नानी बोलते हैं, क्योंकि बचपन से ये नानी ही बोलते हैं, उनके बच्चे और हमारे बच्चे साथ में खेलते थे, तो फिर नानी बोलना सीख लिए थे। और यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा से उन्होंने इस तरीके से सजाया था, और अच्छा सिस्टी बना रही थी पापड़ी चाट। तो पापड़ी वो इसी तरीके से बनाती है, नमक, जवाइन और थोड़ा सा मोइम दे के मैदे में इस तरीके से वो
बहुत अच्छे से पापड़ी बना के फिर चाट बनेगा। आज का हमारा खाना चाट ही है, चाट खा के हम लोग सोने वाले हैं क्योंकि दिन में हम लोगों ने बहुत ही कुछ खा लिया था, तो फिर हमें रात को कुछ इस तरीके का ही खाने का मन था। तो सृष्टि के पसंद से ही घर पे कोई भी खाना डिसाइड होता है, तो आज उसका मन था चाट खाने का। ये है बिहारी चाट, अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो तो आज का यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।